हेलो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट साक्षी ठाकुर। आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि जुडिशियल ऑफिसर की क्या लाइफ होती है, क्या लाइफस्टाइल होता है, उसे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है और ये कैसे एग्जाम कंडक्ट होता है। किसी जी एक एग्जाम होता है जुडिशियल का, वो होता है लोअर जज के लिए, ठीक है, जो कि स्टेट कंडक्ट करवाती है। हर एक स्टेट की अलग अलग फैसिलिटी जजेस को मिलती है। ये स्टेट लेवल में भी है, ठीक है। इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवाता है वो स्टेट भी करवा सकती है, पब्लिक कमीशन भी करवा सकते हैं, हाई कोर्ट भी करवा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आपको ये डाउट होता है ना कि जुडिशियल ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या नहीं होते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है वो स्टेट लेवल, पब्लिक और हाई कोर्ट गवर्न करती है इन एग्ज़ाम्स के लिए। और जैसे ही ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपका एक मेडिकल फिटनेस का भी टेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे क्रॉस एग्जामिनेशन हो गए, वहाँ पे बैठना पड़ता है, आप मेंटली कितने फिट हो, तो उस बेसिस के लिए आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है, लेकिन ये इतना मैंडेटरी नहीं है। और फिर जैसे ही आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद आपको एक इंटीमेट कर दिया जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट आपको इंटीमेट कर दी जाएगी, आप वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज है उससे जाके मिलेंगे। लेकिन उस दौरान जब आप डिस्ट्रिक्ट जज के साथ होंगे तो आप ट्रेनिंग पे होंगे, आप उस टाइम ट्रेनिंग में होंगे जिसमें आपको वो सिविल से रिलेटेड छोटे मोटे काम बताएंगे। तो हर स्टेट के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाती है, हर स्टेट के अकॉर्डिंग जुडिशियल जो ऑफिसर है उनकी सिक्योरिटी होती है, उनको मतलब रेंट अलाउंस दी जाती है। अगर कहीं पर मान लीजिए उनको घर नहीं दे रहे तो रेंट अलाउंस दे रहे हैं, उनका पेट्रोल अलाउंस दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। हाँ, और ये भी होता है कि जैसे सैलरी हर स्टेट की डिफरेंट होती है, पॉपुलेशन देख के, डिस्ट्रिक्ट देख के, उस बेसिस में कितना फैसिलिटीज़ है उस स्टेट में, उस बेसिस में सैलरीज दी जाती है। हर स्टेट की अलग अलग होगी। और जो मेन क्वेश्चन ये रहता है कि सोशल लाइफ कैसी होती है जजेस के, हर 3 साल में उनका ट्रांसफ़र होता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ईयर तक रहते हैं तो उस बेसिस पर उनके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आप जब एक जज बन रहे हो तो आपको न्यूट्रल रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखा दी जाती है। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।